Right, let's bring you some breaking news now, this time from the national capital, where a 35-year-old man has been shot dead by unidentified persons in the Jhilmil Industrial Estate in Shahdara area of the capital. The deceased has now been identified as a resident of Gokulpuri. Investigation revealed that he was a supervisor in a factory at Friends Colony. The police is examining CCTV footage to identify the accused and ascertain the exact sequence of events. सुपरवाइजर थे कॉपर फैक्ट्री में काम करते थे मुझे सोचना मेरे घर पे फोन गया मैंने पूछा नाम क्या है आपका नाम नहीं बताया बस ये कहा जीटीवी में आ जाओ इमरजेंसी में कोई ये सुपरवाइजर थे मुझे कोई उनका कोई नहीं था गली मोहल्ले में बस ये बताया एक्सीडेंट हो गया घर पे आ जाओ नहीं किसी से कोई झगड़ा नहीं किसी से दुश्मनी नहीं किसी से कोई झगड़ा नहीं सर मेरे अभी थोड़े पहले फोन आया था मामी का कि ऐसे ऐसे बात हुई मामा के गोली लग गई है मैं यहाँ आया तो मुझे जब पता चली कि वो एक्सपायर हो चुके हैं गोली लग चुकी है सीने में सिर में है और यहाँ पर हम यहाँ पे आए हैं तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया है तो सुबह ड्यूटी निकले थे अभी पता चला है फोन से ही पता चला था कि उन्हें वहाँ फैक्ट्री के पास आस पास में ही गोली लगी कितने साल उम्र थी क्या करते थे 38 के आसपास थी और एक फैक्ट्री प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे